करती हूँ आपका हिंदुस्तान न्यूज 24 में। आई नजर डालते हैं आज की कुछ खास। CIA के विरोध में क्लिनिक। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए जा रहे क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट में स्थिरीकरण न हो पाने के चलते नाराज निजी अस्पताल संचालकों ने 25 दिसंबर से अपने अस्पतालों को स्वयं बंदी करने का निर्णय लिया है। हल्द्वानी में IMA के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि केंद्र सरकार क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट को लागू कर छोटे अस्पतालों को पूर्ण रूप से इंस्पेक्टर राज के अंदर लाने की कोशिश कर रही है, जिससे कि ना सिर्फ छोटे निजी अस्पताल संचालकों को परेशानी होगी बल्कि मरीजों के लिए इलाज भी महंगा हो जाएगा। ऐसी अवस्था में लंबे समय से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले केंद्र व राज्य सरकार से क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट बिल में संशोधन करने की मांग रखी गई थी, लेकिन ना तो राज्य सरकार ने और ना ही केंद्र सरकार ने निजी अस्पताल संचालकों और डॉक्टरों की गुहार नहीं सुनी। पहाड़ों में जहाँ पे जगह की बहुत ज्यादा कमी है, वहाँ पे उन मांगों को पूरा कर पाना एक सपना होगा। काले बैज लगाएंगे जिससे कि हम अपना विरोध जता सकें, और 23 तारीख की शाम को हम लोग अपनी OPD बंद कर देंगे। 24 तारीख से हम अपने मरीज डिस्चार्ज कर देंगे और 25 तारीख से हम अपने सारे अस्पतालों को स्वतः बंद कर देंगे। इमरजेंसी करते हुए हम लोगों ने ये सोचा है कि उस नियम को क्योंकि हम फॉलो नहीं कर सकते हैं, तो हम इससे पहले कि सरकार हमारे संस्थान बंद करें, हम लोग खुद ही वो संस्थान बंद कर देंगे। सरलीकृत नहीं हो पा रहे, मतलब वो हमारे अनुकूल नहीं हो पा रहे, और हम उन नियमों के तहत, क्योंकि हम एक ऐसी जाति है या हम ऐसा एक समाज है डॉक्टरों का जो नियमों में पहले ही बंद कर देंगे, जो कि हम लोगों ने 25 दिसंबर डिसाइड किया हुआ है। तो हड़ताल नहीं होगी, किसी भी रूप में हड़ताल नहीं होगी, बस ये सरकार के नियमों को नहीं पालन कर पाने की हमारी अपनी इच्छा होगी। मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अगेंस्ट भी हमने बॉस को ही आगे दिया हुआ है, और वो ज्यादा अच्छा विस्तार से इसमें बता पाएंगे। डॉक्टर केडिया बॉस।